नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के, जहां प्रसिद्ध साई उपवन में एक युवक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शिव, क्या हुआ साई मंदिर के अंदर? भैया, मैं पीछे गया हुआ था तो यहाँ पे आवाज सी आई, फिर इसका मैंने देखा तो मर्डर हो गया था। कोई अन्य आदमी आया था जो कि मारते गया। कौन लोग हैं जिनका मर्डर हुआ है? कुछ इनके बारे में नहीं पता कौन मार के गया, ये भी क्लियर नहीं। ये तो मालूम होगा ये जेंट्स है लेडीज है, क्या है कौन लोग? वो जेंट्स था जो भी मारते गया। हत्या जिनकी हुई है वो कौन है? एक जेंट्स एक लेडीज। लेडीज, कितने बजे की घटना है? 8:15 बजे के आसपास। पुलिस लगभग कितनी देर में आके सूचना देते आ गई थी? थोड़ी सूचना देती है निकल के समय पे आज सुबह करीब 8:30 बजे हमें सूचना मिली थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साई उपवन है, वहाँ पे गोली मार दी गई है। जब पुलिस पहुँची दोनों विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले पूछताछ में बात सामने आई है कि दोनों के बीच में संबंध थे, संबंध शादी की बात उनको दोनों के बीच चल रही थी। दोनों परिवारों को बुला लिया गया और पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि कोई इनकी इस संबंध से असहमत था जिसने की ये घटना हो रही है। हमारी टीमें लगा दी गई है। सर, मृतकों के नाम या उनकी पहचान किस नाम? लड़का जो है उसका नाम अनु चौहान है, वो विजयनगर का रहने वाला है, मूलतः ये उत्तराखंड का रहने वाला है। लड़की का नाम प्रीति है, वो विजयनगर की है। सर, CCTV क्या उस परिसर में लगे हुए थे? क्या घटना CCTV में भी कैद हुई है? ऐसा तो नहीं लगता है। ये आसपास सभी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं और उनके जो परिचित हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और वहाँ के आस पास के परिवार वालों ने हत्या का संकट जताइए किस प्रकार से हत्या में गोली लगी है तो हत्या तो हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, बाकी चीज़ें उसके बाद। कांग्रेस विधायक संजय यादव किसान की खुदकुशी मामले में भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। 5 दिन पूर्व जिस किसान ने कर्ज माफी न होने से दुखी होकर खुदकुशी का प्रयास किया था, उस मामले में हर दिन सियासत तेज होती जा रही है। किसान भूपत सिंह लोधी की हालत अब खतरे से बाहर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के किसान से मिलने के बाद कांग्रेस विधायक संजय यादव ने किसान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद भाजपा युवा नेता सोनू बचवानी ने एक ऑडियो मीडिया को सौंपते हुए संजय यादव पर आरोप लगाए हैं कि वह किसान पर दबाव डाल रहे हैं कि वह कर्ज माफी ना होने के कारण खुदकुशी करने की बात से पलट जाए। कांग्रेस के विधायक द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी द्वारा जबलपुर में जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है किसी किसान से मिलके। उन्होंने 10 प्रकार के झूठे आरोप किसान के ऊपर भी लगाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर भी लगाए। इसको लेके आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं। हम प्रमाण सहित आज हम आपके बीच में हैं कि किसान का बेटा किसान होता है और किसान का पिता भी किसान होता है। विधायक जी ने शायद उसके घर में पता नहीं किया कि 2-2 एकड़ की जमीन उनके नाम पे, उसके प्रमाण हमने आपके बीच में इसके माध्यम से दिखाया है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार नशे में खुद है और किसान को बताती है कि वो नशे में है। नशे में था तभी उसने जो है जहर पिया, लेकिन आपने देखा कि उनने बताया कि उनके पिताजी ने कोई नशा नहीं किया हुआ था। जो उनके यहाँ फसल जो उगी थी चने की, वो चने की फसल पूरी बर्बाद हो गई। उस बर्बादी की वजह से जो है किसान बहुत हताश थे, उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। भगवान की कृपा से वो बच गए, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के लोग जो है इनको धमकी दे रहे थे कि आप अपने बयान चेंज करो, आप ये करो। हमारे सांसद जी ने तो मानवीय दृष्टिकोण से जाके जो है किसान का हालचाल पता किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के विधायक जी ने जो कृत्य किया, मुझे लगता है बहुत अशोभनीय है। इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत करने वाले हैं। झूठी शिकायत करने के ऊपर भी जो है आरोप उतना ही बनता है जितना जो है करने वाले के ऊपर भी। इन्होंने जो है किसान को जो है गलत आरोप लगाया, इनके परिवार के ऊपर गलत आरोप लगाया। इस आरोप को लेकर भी हम एक FIR माननीय विधायक जी के खिलाफ कराने वाले हैं। आज हरिद्वार नगर निगम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें नगर कोतवाली पुलिस ने 5 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सट्टेबाज IPL मैच में बड़े स्तर पर सट्टा लगा रहे थे। चूंकि IPL के मैचेस चल रहे हैं, इसमें SSP महोदय के निर्देशानुसार सब जगह पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी और चेकिंग करवाई जा रही थी। उसी में हमें कोतवाली पुलिस को सूचना मिली तो इसमें COCT के नेतृत्व में एक टीम बना के इसको चेकिंग करवाई गई। तो यहाँ पर होटल में, कृष्णा हेरिटेज नाम के होटल में, ये 5 अभियुक्त मिले हैं जिनके पास से करीबन 32 मोबाइल और 5 लैपटॉप
और नकदी 71,000 की नकदी भी प्राप्त हुई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि आईपीएल मैचेस में इनके द्वारा सट्टा लगाया जा रहा था, तो यह इस पे सूचना पर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इसमें एसएसपी महोदय द्वारा इसमें 2,500 का इनाम भी टीम को दिया गया। ये लोग कहां के रहने वाले हैं जो पकड़े गए हैं? लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन को लेकर कल अंतिम दिन था। गाजियाबाद में नामांकन के अंतिम दिन गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में 3 बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जहां बीजेपी से वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपना नामांकन किया, तो वहीं सपा बसपा गठबंधन के कैंडिडेट सुरेश बंसल और कांग्रेस से महिला कैंडिडेट डोली शर्मा ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। सर, आज आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आज नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी विकास के कार्य हैं, मैं विकास के कार्य कराऊंगा, शिक्षा के करूँगा, और जो किसानों की समस्या उनको और जो नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं उसमें प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ सबसे जरूरी जो बात है वो जो इन्होंने आयुष्मान योजना शुरू की है, ये सब ढोंग है और गरीब लोगों को इलाज का पैसा नहीं मिल रहा है। इसको हम गरीबों के इलाज के लिए पैसा दिलाएंगे और जो भी विकास के कार्य हैं वो सब करेंगे, और सबसे पहले भाईचारा बनाएंगे। जो समाज में कटुता आ गई है, जो इन्होंने हमारे भाईचारे को खत्म करा है, हम उसको भाईचारे को बनाएंगे। सर, आपकी लड़ाई इस बार किन पार्टियों के साथ रहेगी? सर, हमारी भाजपा से लड़ाई और किसी से पार्टी है कोई दिक्कत नहीं ने अपने नाम पे अपना प्रचार लगा दिया है, तो क्या नरेंद्र मोदी की पासपोर्ट और आधार कार्ड और इलेक्शन आई कार्ड का प्रचार देश की देखभाल करता है, देश की लोगों की देखभाल करता है, मैम आज आप करें। तो पहले तो ये बताइए कि पब्लिक को आपको वोट क्यों देना चाहिए और क्यों देगी पब्लिक आपको वोट? पहले तो मैं गाजियाबाद की बेटी हूँ, यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हूँ, हुई हूँ और यहीं रही हूँ, तो मुझे गाजियाबाद के लोगों का दिल मन सब पता है। ऐसा नहीं है मैं बाहर से आई हूँ और लोग मर रहे हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेटी हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि मेरे गाजियाबाद के लोग सुखी हैं या दुखी हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेयर चुनाव के बाद क्या हाल है यहाँ लोगों का। दूसरी बात, आपने पूछा वोट क्यों दें। वोट इसलिए दें क्योंकि लोगों के खाते में 15 लाख अभी तक नहीं आए। वोट इसलिए दें क्योंकि अभी तक 100 स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। वोट इसलिए दें क्योंकि 2 करोड़ युवा बेरोजगार की ये जो बातें करते थे कि रोजगार मिलेगा, आज भी युवा 45 साल में सबसे ज्यादा आज बेरोजगार है। वोट इसलिए दें क्योंकि स्मॉल और मध्यम वर्गीय बिजनेस खत्म हो गए हैं। वोट इसलिए दें क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं महिला सुरक्षा और महिलाओं की महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का आज क्या हाल है सरकार में जानती हूँ। महिलाओं को आगे लाने के लिए वोट दें। वोट गाजियाबाद इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर था, इंडस्ट्रीज आज गाजियाबाद से पलायन कर गई है। वोट इसलिए दें क्योंकि जो मोदी सरकार के जुमले थे, जुमले ही रह गए, जमीन पे गाजियाबाद के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी, क्या उस हिसाब से बेसिक सुविधाएं गाजियाबाद के लोगों को मिली? क्या उस हिसाब से उन्हें अस्पताल मिले, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला उन्हें? यहाँ पर उनको सफाई मिली? कुछ नहीं, स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं यहाँ। तो गाजियाबाद के लोग आज ये जो ठग यहाँ गाजियाबाद में घूम रहे हैं उन्हें समझ चुके हैं और वो इस बार अपना निर्णय जरूर बदले। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप गठबंधन से उम्मीदवार होती, क्योंकि बसपा सपा और राष्ट्रीय लोकदल अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता तो बेहतर स्थिति होती आपके मुकाबले। कांग्रेस मजबूत है, गठबंधन कहीं ठहरता नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जी हाँ, मामला यूपी के मुरादाबाद का है,
जहां पर मुस्कान नाम की युवती राहुल नाम के युवक से प्रेम करती थी और राहुल भी मुस्कान को दिलो जान से चाहता था, पर दोनों के परिजन एक ही समुदाय के होने के बावजूद दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुस्कान की जिद के सामने राहुल के परिवार को झुकना ही पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि लड़की ने 100 नंबर पर फोन किया। लड़की ने अपना नाम मुस्कान बताया और कहा कि वह अपने ही गांव राहुल नाम के लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी, चाहे अंजाम जो भी हो। और आज सुबह फोन करने के बाद राहुल के घर पहुंच गई, लेकिन राहुल के परिजनों ने उसको किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया और धमकी दी कि अगर तुम वापस घर नहीं लौटी तो अच्छा नहीं होगा। इतनी देर में ही डाल सो की टीम मौके पर पहुंची। वही राहुल की प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ी हुई थी और राहुल का परिवार शादी से इनकार कर रहा था। बढ़ते हंगामे के चलते डाल सो की टीम ने थाना मूढ़ा पांडे को सूचना दी, जिस पर चौकी इंचार्ज करणपुर मौके पर पहुंचे और मुस्कान और उसके प्रेमी राहुल के परिजनों को भी पुलिस चौकी ले आए। इस दौरान क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी चौकी पहुंच गए और दोनों पक्षों को बिठाकर राहुल और मुस्कान की शादी पर दोनों परिवार की सहमति की मोहर लगा दी और जो परिवार एक दूसरे पर हमलावर था खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लिया। कहाँ के निवासी हो आप? थाना कौन सा पड़ता है आपका? ठीक है। अच्छा, ये जो लड़का है इसे शादी करना चाहते हो आप? हाँ। किसी के दबाव में है ऐसी? आपके परिवार वाले खुश हैं? वो उनकी मर्जी है? हाँ, मर्जी। तो फिर यहाँ चौकी क्यों आए हो आप लोग? अब है ना मर्जी, पहले नहीं थी ना। पहले नहीं थी तो आज शादी होगी नहीं होगी आपकी? मेरा नाम बद्री प्रसाद। गाड़ी कौन सी गाड़ी का? 257। तो कौन से गांव का मामला है, क्या मामला है यार? ये महेशपुर भीला का जी। ये लड़की शिमला है, डॉक्टर ऑफ सुखबीर महेशपुर भीला की। इसने फ़ोन किया था कि मेरी शादी मेरे माँ बाप बिना मेरी मर्जी के अंत करना चाह रहे हैं। तो उसी पे हम जब मौके पे पहुँचे तो उससे बात की, उसके पिता सुखबीर से बात की, उसके भाइयों से बात की, पिंटू से, संजीव से, बबलू से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये जहाँ चाह रही है वहाँ हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो उस लड़के पक्ष को फ़ोन करके बुलवाया गया, लड़का और लड़की दोनों आ गए और उसके बाद में चौकी इंचार्ज को मौके पर बुलवा लिया। चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार, करणपुर नगला। अच्छा, दोनों की रजाबंदी है क्या? हाँ, दोनों की रजाबंदी है। उन दोनों को बुला लिया, चौकी वालों को सुपर्द कर दिया और वो दोनों पक्ष आ गए हैं और अपनी शादी के लिए तैयार हैं। लिखकर दे दिया उन्होंने कि हम दोनों पक्ष तैयार हैं, लड़की के माता पिता और उसके भाई और उसकी भाभी सब मौजूद तैयार हैं मौके पर। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना मूढ़ा पांडे का। कौन सी चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज चौकी करणपुर नगला। महोबा में गन्ने के खेत में आग लगने से फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे किसान को भारी क्षति पहुंची है। मामला बड़खेरा गांव का है, जहां पर आज गन्ने के खेत में भीषण आग लग जाने के कारण सारी फसल जलकर खाक हो गई है। प्रधान बड़खेरा। अच्छा प्रधान जी, क्या हुआ है अभी यहां पर? अब यहां ऐसा हुआ कि अचानक आग लग गई है, ये पता ही नहीं चला है का नुकसान 2 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि 5 बीघे का गन्ने जल गया है पूरा। उन्होंने कोई प्रशासनिक अधिकारी बुलाया? उन्होंने कहा, बताया अभी मुझे कि लेखपाल को भी फ़ोन किया था, लेकिन लेखपाल अभी तक मौके पर नहीं आया है। थाने भी सूचना दी थी तो थाने से ये साहब आए थे। लगभग कितने समय पहले सूचना दी थी? 2 घंटे पहले सूचना दी थी, ये लोग बता रहे हैं लेखपाल को जी। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। मतलब इनको कोई आर्थिक मदद में कोई सहयोग हो गया? इनको आर्थिक मदद से मैं शासन से प्रार्थना करूंगा, शासन से जो मिलेगा वो मदद करवाऊंगा। लाभ की पूर्ण कोशिश रहेगी, कुछ ना कुछ शासन से इनको लाभ दिलवाया जाएगा। धन्यवाद। आपका खेत कैसी आ गया? Thank you.
भोंडसी हिंसा मामले में अभी तक की जांच में गुरुग्राम पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। पुलिस की माने तो भोंडसी हिंसा में वायरल वीडियो में कैद आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित परिवार के बयान पर बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें अभी तक जो है भोंडसी वाले मैटर में कुल 3 अरेस्ट हो चुके हैं और 2 जो आरोपी हैं उनको अभी राउंड अप किया गया है, तो इस प्रकार से जो है अभी तक 5 जो है हो चुके। कितने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्या परिजनों की शिकायत और भी? अननोन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो है जो नामजद आरोपी आए हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और इसमें 4 टीम जो है उसमें गठित की। बाकी आरोपी की पहचान हो गई? पहचान हो गई, हाँ पहचान हो चुकी है और गिरफ्तार कर रही है। उसमें क्या चीज क्लियर हो पाई है? पहले बताया गया था कि ये दो उसमें बता चुके थे, वो आल आ चुके ठीक है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।